जिस तरह मुअज्जिन पांच वक्त ईमान वालों को आवाज देता है, तुम सुनो न सुनो, तुम सुनो न सुनो, हम हय्यालस्सलाह कि सदा रुकने नहीं देंगे, देते रहेंगे। पार्टियों की गुलामी का पट्टा डालकर गांव में घूमने वालों, तुम सुनो ना सुनो, मैं अपनी औलादों के मुस्तकबिल की सदा लगाते रहे। मेरे सब्र का इम्तिहान हर रोज लिया जाता है, मकानों को फूंक कर मेरे सब्र को जांचा जाता है, मेरी औलादों की मॉब लिंचिंग करके मेरे सब्र को टटोला जाता है। नबी की इज्जत और नामूस के लिए बच्चे रांची में निकले हैं तो हुकूमत के वर्दीधारी गुंडे 1K47 से मेरे बच्चों को गोलियां मार कर मेरे सब्र को टटोला जाता है। मेरे बच्चे गोलियां खाते रहे, हम सब्र किए। मकानात मेरे फूके हैं, हमने सब्र किए। मेरे बच्चों की लिंचिंग हुई है, हम सब्र किए। लेकिन जहां मेरे नबी की इज्जत का सवाल आ जाएगा, ए मौलाना, यही देखकर मौलवियों को हमारे बच्चे आवारा बन रहे। वो समझ रहे हैं कि मोबाइल में कोई बहुत बड़ी चीज है, तब मौलवी 24 घंटा लगा हुआ है। क्या करें, अब तो काम की गुफ्तगू करने के लिए किससे करें। उस जज्बाती तबके से जो अपनी मां को 100 रुपया नहीं देता और गड्डी फाड़ करके लुटाता है, क्या उनसे बात की जाए। जो अपने पड़ोस के दीवार की जवान बेटियों का दर्द नहीं सुन पाता और अपने भाई और अपनी औलादों का सौदा करता है 3 लाख 5 लाख में, क्या उससे बात की जाए। जो अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपना डीजल, अपना खाना, अपने पैसे का बाइनर बनाकर रांची पटना गिरिडीह जाकर दरी बिछा सकता है, लेकिन उसको उसकी अपनी नस्लों के लिए आवाज दो तो पूछता है हमको क्या मिलेगा। अगर हमारे मसाजिद के अइम्मा थोड़ा सा जाग गए और गांव के सदर और सिगरेटी थोड़ा सा होश में आ जाए तो 2 रकात की नफिल अगर नियत बांध लेंगे, अमा जब चंद घंटों के लिए एक इलाके का किसान सड़क पे बैठ जाए तो सत्ता को पीछे हटना पड़ा है। हम नियत बांध के सड़क पर हट खड़े हो गए तो जमाने को पीछे हटना पड़ेगा। लड़ाई तो होगी, तुम साथ रहो न रहो,
इसलिए कि मैं जानता हूं कि ये जंग सबके नसीबे में नहीं है। ये जंग सबके नसीबे में नहीं है। अगर ये जंग सबके नसीबे में होती तो करबला में सिर्फ 72 नहीं जाते। किनके बीच बोले हम? अब तो बोल दो, ओए जोर से बोल दो, चारों तरफ से एक आवाज होकर जोर से बोल दो। तब मैंने मौलाना नजरुल हसन साहब से कहा कि सुनिए, बहुत हो गया, आदमी बीमार पड़ता है, ब्लड कम हो, ब्लड कैंसर किसी को हो तो हर महीने ब्लड पूरे बॉडी का निकाल कर दूसरा ब्लड डालना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। और अगर डायलिसिस पर कोई पेशेंट चला गया, किडनी डैमेज है, तो उसकी बॉडी का सारा पानी एक पाइप से बाहर निकाला जाता है और दूसरे पाइप से उसकी बॉडी में नया और फ्रेश पानी डाला जाता है। क्यों क्यों? जिंदगी बचाने के लिए। तवज्जो चाहूं दिलवर बाबू, कैंसर के मरीजों का ब्लड कैंसर के मरीजों का खून बदलो तो कुछ दिन जिंदगी सफर कर ले, किडनी पेशेंट को डायलिसिस पर लाकर कुछ दूर उस कुछ दिनों तक उसको आप सेहतमंद रख सकते हो, जिंदा रख सकते हो। लेकिन याद रखना, खून बदल देने से मरीज की नस्ल नहीं बदलती। खून बदल देने से नस्ल नहीं बदलती। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का यही मकसद है कि अब हम अपनी बीमार कौम का खून नहीं बदलेंगे, अब हम अपने बच्चों की नस्ल बदल देंगे और हम उस नस्ल को लाएंगे जिसकी आंखों में अली का खुमार हो, जिसके वजूद में हुसैन का इशार हो, जिसके बाजुओं में उमर का किरदार हो, जिसके घरों में सैयदा फातिमा की सखावत हो, जिनकी बेटियों में सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा जहरा की गैरत और हया हो, और जिसके दिलों में मसलके आला हजरत का जलता हुआ चिराग हो, और जिसके वजूद की हर सांस में गुम्बदे खजरा का तकद्दस हो, और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद हो, या रसूल अल्लाह जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई। वक्त होता और तबीयत साथ देती तो मैं इसी पर बोल देता, जान दी। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, मिस भाई साहब, जान दी दी हुई, दी का दी हुई से क्या इस्तफादा हुआ? जान दी दी हुई उसी की थी, और जान लुटाने के बाद क्या सोच होती है? हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है दी दी, हमने जान दी हुई उसी की थी।
तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जमाल बाबू, जमाल बाबू, जमाल बाबू, दिलवर भाई, जान दी, दी हुई उसी की थी, जान दी, दी हुई उसी की थी। देने के बाद कहता है हक तो ये है, देने के बाद कहता है हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, गोया इसके पीछे का जो तेवर हो वो ये बोल रहा, मेरे परवरदिगार ये तो तूने एक जान दी, अगर हर सेकंड जान दे तो मैं देते रहूंगा, यही कहते रहूंगा। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है। नारे